हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सक्सेस एडुटेक। हेयर इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड सीरीज़। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज़ वाई परसेंट ऑफ। तो देखिए, एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या होगा, एक्स वाई अपॉन 100। एक्स परसेंट ऑफ वाई, एक्स परसेंट ऑफ वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वाई परसेंट ऑफ एक्स, वाई परसेंट ऑफ, हमें बताना है कि एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई परसेंट ऑफ। तो वाई परसेंट ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई एक्स अपॉन 100। जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, यानी ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव नंबर इज एन, इफ़ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज विल। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है x, सेकंड हो जाएगा हमारा नंबर x प्लस 1, थर्ड होगा x प्लस 2, फोर्थ होगा x प्लस 3 और हमारा जो फिफ्थ नंबर होगा वो होगा x प्लस 4। जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करें और उनका एवरेज निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, हमें दिया है इन सारे नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है n। हम इन सबको ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यानी जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका हमें एवरेज दिया है n। हमने मान लिया 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। हमने इसका एवरेज निकाल लिया तो हमें यहाँ से पता चल गया n इक्वल्स टू x प्लस 2, n इक्वल्स टू x प्लस 2। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है कि हम अगर इसमें दो नंबर्स और इंक्लूड कर दें, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर और इंक्लूड कर दें तो जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए, हम दो नंबर और इंक्लूड कर देते हैं, यानी हमारा जो था 5x प्लस 10, उसमें हम इसके बाद जो फिफ्थ नंबर था उसके बाद दो नंबर और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएंगे x प्लस 5 और x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि अब टोटल नंबर हमारे कितने हो गए हैं, 7। हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 3। अब हम इसको कंपेयर करें, हमारा जो पहले जो रेशो था n, x प्लस 2 और ये x प्लस 3, तो इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें कि जो फाइनल जो हमारा एवरेज आ रहा है वो इनिशियल एवरेज से 1% इंक्रीज हो गया है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 4/5 ऑफ अ लैंड प्रॉपर्टी इज़ रुपीज़ 16800, देन द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ द लैंड इज़। यानी हमें कोई एक लैंड दिया हुआ है जिसका 4/5 पार्ट कितना है, 16800, तो हमें उसी लैंड का 3/7 पार्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हमने मान लिया जो हमारी लैंड है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक्स। तो उसका एक्स का 4/5 पार्ट हमें दिया हुआ है, कितना, 16800। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4200 और जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2100। ये हो गया हमारा x। हमसे क्या पूछा है, 3/7 पार्ट ऑफ द x, यानी हम 2100, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट है, उसका 3/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 7 7 3 21, 3 into 3 यानी 9000।
यानी एक हमारी प्रॉपर्टी थी जिसकी कॉस्ट थी 21,000, उसका 3/7 पार्ट हमें बताना था, वो होगा 9,000, यानी ऑप्शन हमारा ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग वॉज 3/11 ऑफ द टोटल एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वॉज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर, इफ द स्कोर डिफर्ड बाई 9 द टोटल स्कोर वॉज। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, वहाँ पर इंडियन जो बैट्समैन है उन्होंने एक रन स्कोर किया, हमने मान लिया टोटल रन उन्होंने कितना स्कोर किया एक्स। अब जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन आया था, ओपनिंग बैट्समैन आया था रोहित शर्मा, तो उसने क्या किया, जो टोटल रन स्कोर हुआ है एक्स उसका 3/11 अकेला रोहित शर्मा ने बनाया है रन, यानी टोटल हमारा रन बने थे पूरी टीम ने बनाए एक्स और रोहित शर्मा ने अकेले बनाए 3x/11। अब जो रिमेनिंग हमारे रन्स बचे, यानी रिमेनिंग हमारा कितने बचे एक्स माइनस 3x/11, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 8x/11, 8x/11, यानी ये जो रन है ये बाकी सारी टीम ने बनाए हैं। अब इसमें भी हमें कंडीशन दी है, यानी ये जो रिमाइंडर है इसमें से एक कोई हमारा प्लेयर होगा, हम मान लेते हैं विराट कोहली, उसने क्या किया है ये जो रिमेनिंग रन है इसका 3/11 बनाया है, 3/11 पार्ट वो विराट कोहली ने बनाया है। तो हमसे पूछा है कि जो रोहित शर्मा ने रन बनाया है 3x/11 और 8x/11 का 3/11 पार्ट उसका जो डिफरेंस है वो 9 है, तो हमें बताना है टीम का टोटल स्कोर कितना होगा। तो देखिए पहली फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, टोटल रन बनाए टीम ने एक्स, उसका हाईएस्ट बनाया रोहित शर्मा ने वो कितना है 3x/11, हमारा रिमेनिंग कितना बचा, हमने उसमें से 3x/11 माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग नंबर है 8x/11। अब इसका 3/11 किसने बनाया, विराट कोहली ने, यानी वो कितना है 3/11 × 8x/11, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24x/121। हमें इसका डिफरेंस दिया हुआ है, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो रन का डिफरेंस है वो कितना है 9। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए कितना होगा 3x/11 − 24x/121 = 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 121, ये हो गया 33x − 24x = 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x/121 = 9, 9 से 9 कैंसिल और x = 121, यानी हमारी जो टीम थी उसका टोटल स्कोर कितना हुआ 121। ऑप्शन है हमारा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3 and 4 एंड देयर एलसीएम इज 180, द फर्स्ट नंबर इज, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं उनका रेशो कितना है 3:4 हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है और हमें एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का 180, हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम ऑप्शन देखें, अगर हम इसको हमारी एक सिंपल सी मेथड हम सॉल्व करना चाहें ऑप्शन में, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखिए अगर हमारे नंबर होते हैं 20 और 15, तो 20 और 15 इनका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या 45 और 60, यानी दो नंबर से 45 और 60 इन दोनों का एलसीएम होगा 180 और इसमें से हमें पूछा है फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 45, यानी ऑप्शन बी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एट ऑफ द एवरेज एज ऑफ एट मैन इज इंक्रीज बाई 2 years व्हेन टू ऑफ देम हुज एज आर 21 years and 23 years आर रिप्लेस्ड बाई 2 new men, द एवरेज एज ऑफ 2 new men इज। तो देखिए हम क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी है, तो हम पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन,
हम मान लेते हैं जो एट मैन हैं उनका टोटल सम, उनके वेट का जो टोटल सम है वो कितना है एक्स। जब हम उसको एट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज, वो हमने मान लिया एन। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है हमें कि जब हम ये टोटल वेट था एक्स उसमें से दो मैन जिनका वेट है 21 ईयर और 23 ईयर, सॉरी ये वेट नहीं एज था, एक्स क्या है एज, सम ऑफ एज ऑफ ऑल दी एट पर्संस। अब यहाँ पर हमने दो लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया जिनकी एज थी 21 और 24, यानी एक्स में से 44 ईयर्स हमने माइनस कर दिए। पर जब हमने इनको हटाया तो हमने दो लोगों को ऐड भी किया है, तो हमने इनको दो लोगों से रिप्लेस कर लिया। हमने मान लिया वो जो दो लोग हैं उनका जो वेट है टोटल वो कितना है जेड। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन रिमेन सेम रहेंगे क्योंकि आठ थे, आठ में से दो लोगों को बाहर निकाल दिया हमने और फिर दो लोगों को ऐड कर दिया। पर जब हमने दो लोगों को बाहर निकाला और ये दो लोगों को ऐड किया तो अब इस कंडीशन में जो हमारा एवरेज है वो पहले के एवरेज से 2 इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 और सेकेंड इक्वेशन एन प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 44 प्लस जेड अपॉन 8। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8n, 8n यहाँ पर हम रख देते हैं एक्स की जगह 8n, हमने एक्स की जगह 8n रख दिया। ये जो 8 है इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8n प्लस 16 इक्वल्स टू 8n माइनस 44 प्लस जेड। 8n से 8n कैंसिल, 8n से 8n कैंसिल, अब क्या बचा 16 इक्वल्स टू माइनस 44 प्लस जेड और जेड इक्वल्स टू 60। अब ये जो 60 है ये दो लोगों का वेट है, हमसे पूछा है उन दोनों का एवरेज, यानी टोटल वेट ऑफ टू पर्सन 60 और जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उनका एवरेज वेट कितना आ गया, सॉरी उनका एवरेज जो एज है वो कितनी आ गई 30 ईयर्स। यहाँ पर वेट नहीं है एज है, तो उनकी एवरेज जो एज आ गई वो कितनी आ गई 30 ईयर्स, यानी ऑप्शन है हमारा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर्स अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड एंड पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 5 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेन है, हम मान लेते हैं उस ट्रेन की जो लेंथ है वो है एक्स मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है एक्स मीटर, ओके। अब ये जो एक्स मीटर की ट्रेन है ये एक 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यानी ट्रेन यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पर उसको लीव कर देती है प्लेटफॉर्म को, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की वो कितनी थी एक्स प्लस 200, यानी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। हमने मान लिया उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी एस, स्पीड से उसने एक्स प्लस 200 डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 10 सेकेंड्स में, यानी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन गई एस इक्वल्स टू एक्स प्लस 200 अपॉन 10, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, एंड द ट्रेन पासिस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 5 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिए जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है एक्स मीटर, ये एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये ट्रेन उसकी जितनी लेंथ है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये यहाँ से एंटर होगी ट्रेन, और कब ये इसको क्रॉस करेगी जब इसका ये लास्ट जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए, यानी ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसकी जो लेंथ है उतनी। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है एक्स मीटर और टाइम कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये 5 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो
एक्स की वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5s, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी s इक्वल्स टू एक्स प्लस 200 अपॉन 10। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10s इक्वल्स टू एक्स प्लस 200। हमारी x की वैल्यू आई थी 5s प्लस 200। जब ये 5s यहाँ जाएगा तो 10 माइनस 5s क्या बचेगा, 5s इक्वल्स टू 200 मीटर। और s इक्वल्स टू 200 अपॉन 5 यानी 40s। हमारी जो स्पीड आ गई वो आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो हमारी स्पीड आई है मीटर पर सेकेंड में है, पर क्वेश्चन में हमसे पूछिए स्पीड किलोमीटर पर आर में, यानी 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 बन जा 5, 5 8 जा 14, और 18 × 8 ये होता है 144 किलोमीटर पर आर, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। यानी ये ऑप्शन जो है वो है वो क्या है, गलत है। हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, 144 किलोमीटर पर आर, या फिर अगर हम मीटर पर सेकंड में बात करें तो वो कितना होगा, 40 मीटर पर सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी विच इज 15% लोअर देन द सी सैलरी बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 15% कम है, बी की 20% कम है, और जो बी की सैलरी है वो सी की सैलरी से 15% कम है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो सी की सैलरी है वो है 100 रुपीज़, सी की सैलरी है 100 रुपीज़। तो जो बी की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, सी की सैलरी से 15% कम। तो 100 का 15% कितना हो गया, 15। 100 माइनस 15 यानी बी की जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 85 रुपीज़। ये सैलरी हो गई बी की। जब बी की सैलरी 85 रुपीज़ है तो ए की सैलरी कितनी होगी, बी की सैलरी से 20% लेस, यानी 85 का हम क्या निकाल लेंगे, 20% वो कितना होगा, 17। जब हम 85 में से 17 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा ए की सैलरी, यानी ए की सैलरी हो गई 68 रुपीज़। अब हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर जो सी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 68 अपॉन 68 इंटू 100, ये हो गया 32 अपॉन 68 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.05%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 5 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ मैन हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, द वेट ऑफ न्यू मैन इज। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 5 लोग हैं, उनका जो वेट है वो हमें, उनके वेट का जो एवरेज है वो हमें गिवन है, गिवन नहीं है, वो हमें कंडीशन दी हुई है। और हम क्या कर रहे हैं, जो 5 लोग हैं उनमें से एक मैन को रिप्लेस कर देते हैं जिसका वेट 60 kg है किसी एक दूसरे से। तो जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है 2 kg। तो हमें बताना है कि जो नया मैन आया है उसकी जो वेट है वो कितना होगा। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया था, अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने मान लिया जो 5 लोग हैं उनका जो टोटल वेट है वो कितना है, एक्स के जी। हमने उसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा एवरेज आ गया एन। अब क्या बोला है कि जो टोटल वेट है उसमें से हमने 60 kg माइनस किया और उसमें से हमने वाई के जी, एक मैन है जिसका वेट वाई के जी है, उसको हमने ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा एवरेज है वो इंक्रीज हो गया बाय 2।
तो ये दो इक्वेशन बन गई सेम लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा 5x। हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर, और x की जगह हम क्या रख देते हैं 5n, x की जगह हम क्या रख देते हैं 5n। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 10 इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन बन जाएगी 5n प्लस 10 इक्वल्स टू 5n माइनस 60 प्लस y। ये हमारा 5n से 5n कैंसिल, 60 जब यहाँ आ जाएगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 17 kg। यानी अब हमने जो नया जो मैन है उसको हमने ऐड किया है ग्रुप में, उसका वेट है 70 kg। यानी 60 kg वाले आदमी को हमने रिप्लेस किया है 70 kg वाले मैन से। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा डी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये सीरीज़ हेल्प कर रही है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए किसी और एग्ज़ाम पे, किसी और सब्जेक्ट पर, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।